ये स्विफ्ट स्पोर्ट्स का ही है मेनली फ्रंट बम्पर। तो कुछ ऐसा मतलब इंडिया में आएगा आप ये बता रहे हो है ना? ऐसा कुछ आएगा। कौन से कंट्रोल है? अच्छा तो यार बहुत वेलकम तुम्हारा इस मिहिर गलत के नेक्स्ट एपिसोड में। भाई तुम देख लो मेरे सामने यहाँ पे इतनी डैशिंग स्विफ्ट खड़ी है भाई। मुदित भाई मेरे सामने, मुदित भाई कैसे हो? बढ़िया भाई। मुदित भाई था, हमने एक वीडियो बनाई थी स्विफ्ट किंग कौन है ना, आज हम उसी प्लानिंग में आए थे कि यार हम आज दोबारा से 2023 स्विफ्ट किंग करने वाले थे, पर भाई ने मना कर दिया। भाई जरा पब्लिक के सामने हो जाए कि क्यों मना किया आपने। भाई पब्लिक का रिएक्शन अलग अलग आता है, पब्लिक आपस में लड़ाई करवा देती है, लेकिन हम वो चाहते नहीं कि आपस में भाई। और हम भी नहीं चाह रहे थे कि लड़ाई, हम तो बस एक कॉन्टेंट बेसिकली लेके आए थे, कॉन्सेप्ट होगा कॉन्सेप्ट होगा ऐसा। पर ठीक है यार, तुम लोग ने ऐसा मतलब भाई को मजबूर कर दिया कि भाई बोले कि नहीं सिंगर बनाओ भाई। वैसे अपन स्विफ्ट किंग या फिर जितने ऐसी किंग वाली वीडियो होती है वर्सेस लाया करेंगे, पर अब भाई की रजामंदी नहीं थी तो चलो ठीक है इसको सिंगल बनाते हैं। लेकिन इस पे हम सिंगल इसलिए बना रहे हैं, भाई ने पिछली बारी से इस बार ना काफी काम अपग्रेड कर दिया है। ठीक है, तो मोहित भाई पहले तो आप मुझे बताओ कि आपने इसमें काम क्या अपग्रेड किया है, ठीक है, और मतलब ये गाड़ी पहले से अलग क्यों इतनी लग रही है? मैंने इसमें बैटमैन स्पॉइलर लगवाया है। अच्छा, वो मतलब नॉर्मली पोलो के लिए आता है, मैंने इसके लिए स्पेशल कस्टमाइज करवाया है। अच्छा, और मैंने 17 इंच, पहले 16 इंच अलॉय व्हील थे मेरे, मैंने 17 इंच प्लास्टिक अलॉय व्हील डाले। अच्छा, ओके okay. और सबसे मेन यार मैं देख रहा हूँ जो 2023 अपनी स्विफ्ट 2023 में, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि न्यूज अपने को आई है कि स्विफ्ट स्पोर्ट्स आ सकती है 23 में। स्विफ्ट स्पोर्ट्स बेसिकली क्या है, फॉरेन में बहुत चलती है जो कि इंडिया में नहीं आई है, ठीक है, पर भाई ने प्रॉपर स्विफ्ट स्पोर्ट्स ही बना दिए। ठीक है भाई, कैसे बोल रहे हो ये चीज़ जरा बताएं मुझे। भाई स्विफ्ट स्पोर्ट्स किट में क्या क्या चीजें आती हैं? ये मेनली अपना फ्रंट बम्पर हो गया। अच्छा, ये स्विफ्ट स्पोर्ट्स का ही है? ये स्विफ्ट स्पोर्ट्स का ही है मेनली फ्रंट बम्पर। तो कुछ ऐसा मतलब इंडिया में आएगा आप ये बता रहे हो है ना? ऐसा कुछ आएगा। और आपने पहली इंडिया में ला दी है गाड़ी? ऑस्ट्रेलिया में चलती है ऐसी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही नॉर्मल में आती है, हमने कस्टमाइज करी हुई है। अच्छा, क्या बात है। एबीएस की किट है पूरी। ये इसके अंदर दो तीन पार्ट है, फ्रंट बम्पर, साइड स्कर्टिंग्स। अच्छा, ब्लैक कलर, प्रॉपर स्पोर्ट्स वाली जो ऑस्ट्रेलिया और बाहर चल रही है। मैंने इसको ग्लॉस ब्लैक में पेंट कराया हुआ है। ओके, ठीक है, और बैक बम्पर। अच्छा, इसमें बैक बम्पर में एग्जॉस्ट टिप्स की जगह दी हुई है। मैंने अभी एज अ डमी छोड़ा हुआ और एग्जॉस्ट लगा हुआ है, लेकिन एज अ डमी छोड़ा हुआ है इसमें। अच्छा, हम इसमें टिप्स निकलवा भी सकते हैं। अच्छा, निकलवा भी सकते हो। पर आपने डमी क्यों छोड़ा, मतलब कुछ कर सकते हैं आप टिकड़म इसमें? अभी देखेंगे। अच्छा, कुछ सोच रहे हो? हाँ, और साथ में देख लो जैसे भाई ने यहाँ भी जो स्कर्टिंग वाला काम है वो हो रखा है, तो कहीं ना कहीं मतलब भाई मैं क्यों एक्साइटेड हूँ इसलिए कि यार जो गाड़ी आनी है इंडिया में वो आपने पहले तैयार कर दी। लोग कहीं ना कहीं मतलब देख सकते हैं कि हाँ भाई कुछ इस तरीके की स्विफ्ट स्पोर्ट्स आने वाली है इंडिया में जो आपने तैयार करी है ना। अपनी कार ली थी LXi मॉडल। ठीक है, आज कोई भी इसको देखेगा तो ZXi प्लस ही कहता है। हाँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर टॉप मॉडल की हेडलाइट लगवाई है, नीचे फॉग लैम्प लगवाए हैं। अच्छा, तो नहीं आते LXi में, अंदर मीटर तक चेंज है। हाँ, अंदर मीटर तक चेंज है इसका। अच्छा, ठीक है, लोग कुछ कुछ मीटर भी लगवा लेते हैं। ठीक है, एक इसका अब नया आने लग गया फॉग लैम्प ऑफ वाला ऑप्शन। हाँ, उसके अंदर क्या है वो सिर्फ ZXi प्लस में आता है, लेकिन मैंने उसको LXi प्लस में लगवाया है। अच्छा, अपने LXi में लगवाया है। ओके, आप उसको चेक कर सकते हो। तो एक बार चेक करो फिर जरा देखते हैं। मतलब भाई ने बहुत छोटे छोटे बारीक चेंजेस भी कराए हैं, सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं, भाई ने अंदर भी ध्यान दिया है। ठीक है, जैसे कि यार, अच्छा मुझे याद आ रहा है पिछले बार भी जब हम बैठे थे तो ये भाई ने परफ्यूम लगा रहे, भाई ने मना किया था, रिकमेंड नहीं किया था कि हाँ कुछ लायक नहीं है, बस दिखावटी वाला खेल है। दिखावटी वाला। तो एक बार जरा बताएं कैसे अपना वो मैटर। ये भाई ये मेनली ना ये पूरा कंसोल चेंज होता है हमारा। हाँ, इसमें अब ये हमारे फॉग लैम्प ऑन हो चुके हैं। ओके, पहले बंद थे, अब फॉग लैम्प ऑन। अच्छा, फॉग लैम्प बंद हो गए। हाँ हाँ, ये ऑन। अच्छा, ये मेनली इसका लो नॉर्मल स्विच लगवा लेते हैं 10-20 रुपए वाला। हाँ, ये प्रॉपर इसका कंसोल चेंज है जो ZXi प्लस में आता है, मैंने इसको LXi में लगवाया है। और आपने पूरा मीटर भी चेंज कराया है। हाँ, मीटर चेंज है, स्टीयरिंग कंट्रोल लगे हुए हैं। अच्छा, स्टीयरिंग कंट्रोल भी लगवा दिया। हाँ, तो भाई नेक्स्ट काम है कि गाड़ी का इंटीरियर और गत्ते भी चेंज कराने हैं। हाँ, वो भी ZXi प्लस में ही लाने हैं। पर भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये गाड़ी तुमने कितने में खरीदी थी पहले ये बताओ। मैंने भाई 5-30। मुझे लगता है 5-30 और लग गए होंगे यार, तो तुम काम बता रहे हो। मेरे हिसाब से जो गाड़ी की कॉस्ट मेरे को ऊपर से लग गए होंगे 2.5-3 लाख। इससे सस्ता भी काम हो जाता है, लेकिन मैंने घटिया जगह से काम नहीं कराता। हाँ हाँ, अपनी एक जगह है, ढंग की जगह से काम कराते हैं। कहाँ से? घटिया भाई जितेश भाई है हमारे। हाँ, उनकी शॉप है मॉन्स्टर के नाम से। तुम्हारे काफी अच्छे दोस्त है ना बचपन से? हाँ, बचपन से। हाँ, और तुम लोगों ने वीडियो देखी होगी, वो होंडा उनकी सिटी थी है ना, होंडा सिटी जो उनकी। हाँ, हमने ग्रीन कलर की। हाँ, वो ग्रीन कलर की।
तो वो उनकी गाड़ी थी और यहाँ देख लो रील वगैरह भी बन रही है बहुत बढ़िया। तो वो भाई है जिनकी मतलब मॉन्स्टर होनी हो जो भाई उधर से काम कराते हैं बहुत बढ़िया ठीक है। अब अगर मैं ध्यान दूं, अच्छा आपने काफी कुछ चेंज करा दिया भाई ओके, और यहाँ मैं देख रहा हूँ जैसे आपने डीमर आया तो लगवा रखा है, उसके साथ साथ आपने DRLs भी मतलब कंट्रोल वाले लगाए हैं, इसके अंदर एक मैजिक वाला सिस्टम है, हम इसको एक मैजिक कहते हैं अपना। अच्छा ये नॉर्मल भाई DRL सबने करवा रखी है ठीक है। ओके तो बस ये लाल में ही जाता है? नहीं ये सारे कलर चेंज हो जाते हैं। अच्छा फोन से? हाँ फोन से। ओके तो देख लो मतलब फोन पूरा फोन कंट्रोल्ड है, फोन से कंट्रोल है। अच्छा तो जैसा कि मतलब ये मैंने अंश भाई ऑटो आईडी कस्टम वाली गाड़ी में दिखाया था है ना, तो भाई बोल रहे कि रोहिणी में लेकिन अपने पास से सबसे पहले गिनती में हम कर सकते हैं स्विफ्ट, अभी आया ही है यार ये ट्रेंड चालू हुआ है। हाँ मैं एक तरीके से इसका और मतलब मान लो आप बैटमैन स्पॉइलर का, क्योंकि मैं गवाह हूँ इस चीज का भाई, मैं काफी गाड़ियां देखता हूँ, मैंने यार अभी रिसेंट में सिर्फ स्विफ्ट में देखा था, भाई ने दोबारा से स्विफ्ट में मुझे दिखा दिया ये ठीक है। और भाई अगर हम कॉस्टिंग की बात करें डीमन आई का हमें पता है 3,500-3,000 तक का आ जाता है, मतलब क्योंकि ब्रो अगर आप इसको ब्लैकआउट कराते हो हाँ। तो 4.5-5 तक पहुंच जाता है वो। अच्छा क्योंकि इसमें खुलने वाला पूरा सिस्टम होता है, पूरी लाइट खुलती है आपकी। अच्छा ठीक है, जो आपकी ये डेमन नीचे DRL वाली RGB वाली इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है 7,000 तक की, क्योंकि इसके अंदर जो डेमन वाली होती है ना हाँ। वो दो लगती है, एक में दो। अच्छा ओके, इसलिए इसकी कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, पर काफी काफी अच्छा लुक आ रहा है यार मेरे को, जैसे अपनी व्हाइट वाली DRL की लुक भी चाहिए थी हाँ। तो मैंने इसको वैसे नहीं छुड़वाया, मैंने अंदर बटन लगवाया हुआ है, नॉर्मल चाहता हूँ मैं नॉर्मल हो जाती है, ये चाहता हूँ ये हो जाती है। पर भाई मैं जैसे कि अपने कैमरे में यहाँ से फ्रेम देख रहा हूँ ना, गाड़ी यार वीडियो में सामने से बहुत अच्छी है पर वीडियो में भी काफी अच्छी निकल के आती है, ये तो मानना पड़ेगा गाड़ी के बारे में। और अगर हम बात करें भाई आप प्लाटी पे ही क्यों गए, मतलब प्लाटी के अपने कितने इंच है ये? 17। अच्छा पहले 16 थे? पहले 16 थे। और प्लाटी जितना मुझे पता है ये पंजाब का ब्रांड है ना? पंजाब का ब्रांड है, प्रॉपर ओरिजिनल। हाँ। तो ये आपको कितने का पड़ा? मेरे को भैया टोटल टायर समेत ये 53 का पड़ा। अच्छा 53 का पड़ा और टायर स्टिकर्स अलग। अच्छा टायर स्टिकर्स अलग से है ओके। और प्लाटी वैसे मैं तो रिकमेंड करूंगा, कि आप रिकमेंड करते हो लोगों को? बिल्कुल, पंजाब का ब्रांड है तो फुल ऑन रिकमेंडेड है। यहाँ देखो ये इनकी शोशा वाली गाड़ी चल रही, शू मुझे बोल रहा है ये पिटेंगे अगर ज्यादा हमारी वीडियो खराब करेंगे तो। अगर मैं यहाँ ध्यान दूं भाई ये टेल लाइट्स भी आपने थोड़ी अलग करा रखी है भाई, जब आपने पहले वीडियो बनाई थी तब टेल लाइट्स इसके अंदर रेड ग्लास वाली डली हुई थी हाँ। स्मोक ग्लास वाला दुनिया ने मेरा बहुत कहा कि स्मोक डलवाओ हाँ। स्मोक के बाद मैंने स्मोक डलवाई क्योंकि स्मोक की लुक्स अच्छी है, स्मोक डलवाई उसके बाद रियर बम्पर प्रॉपर आ गया है, ये बैटमैन स्पॉइलर की लुक। पर भाई स्मोक ये वैसा वाला नहीं है जैसे बाहर से भी लोग स्मोक कराते हैं? नहीं नहीं वो तो भैया ये तो कंपनी एज अ कंपनी से आता है, पेंटेड आता है अंदर वाला। अच्छा बाहर से तो दुनिया स्मोक करवाती है, वो तो फिल्म लगानी है बस। तो ये कितने का पड़ा आपको फिर भैया? ये पड़ी थी लाइट 11,000। और ये ताइवान वाली है? ताइवान। पर ताइवान वाली भी देख रहा हूँ अलग वैरायटी है थोड़ी सी, बहुत सारी स्विफ्ट की तो बहुत सारी आती है सही में यार, मतलब जो मैंने देखी है उससे तो अलग लग रही है क्योंकि मॉडिफिकेशन के मामले में सबसे रनिंग कार ये तो है। ये मॉडिफिकेशन कोई भी ले आता है मॉडिफाई करा के उसको बिल्कुल वो अलग बन जाती है। पर मैं एक और चीज देख रहा हूँ, जैसे आपने यहाँ पे स्पोर्ट्स की बैजिंग भी करा रखी है ठीक है, जैसा कि हम कह रहे हैं स्विफ्ट स्पोर्ट्स। अच्छा अभी ऑफ भाई, मतलब CNG के साथ भी इतना साउंड दे देती है हाँ। तो ये क्या स्विफ्ट में ऐसा है फिर? नहीं अच्छा खासा साउंड दे रही है, मतलब मैंने देखा है बलिनो भी मतलब कितना अच्छा साउंड देती है, बलिनो चलो फिर भी 4 सिलेंडर है और बलिनो एक बेसी साउंड देती है, इसका क्या है खतरनाक सा बेसी नहीं है पर जितना आ रहा है मजा आ रहा है। ये मैंने स्क्रीन चेंज कराई है, पहले 95 थी हाँ। अब 52 है। अच्छा पायनियर की, पायनियर की 52 स्क्रीन लगी है, बेस्ट है ये ठीक है। और ये आपकी रैप है कार्बन फाइबर? नहीं ये रैप नहीं है, डिप है। अच्छा, इसको डिप हाइड्रो है? डिपिंग कहते हैं हाँ हाँ हाँ। ये हाइड्रो डिपिंग है। तो हाइड्रो डिप में कितना खर्चा आ गया फिर? ये ज्यादा नहीं 800-700 रुपए। क्या आप बात कर रहे हो यार, हाइड्रो डिप में तो तगड़ा खर्चा आता है। नहीं इतना ही है, पार्ट्स अगर कम हो तो इतना ही आता है, नॉर्मल है। तो ये कितने का पड़ा आप लोगों को फिर? ये दो पार्ट्स का मतलब कहाँ से करवाया? 700-800 रुपए भाई, जितेश की शॉप से ही हुआ हूं, तो बहुत सही है फिर तो यार। अगर हम वैसे सही बात बोल रहे हो, हाइड्रोलिक पार्ट्स पर तो हाइड्रोलिक लोग उधर ही कराते हैं जो पार्ट इजीली रिमूवेबल हो हाँ। जो निकल सके अच्छे से। नहीं लोग क्या क्या करवाते हैं, लोग ये डैशबोर्ड तक भी डिप करवाते हैं, डैशबोर्ड भी हम भी चाहे करवा सकते हैं, उस हिसाब से खर्चा अपनी प्रेफरेंस है, खर्चा भी आता है।
ओके और मैं देख रहा हूँ भाई जैसे यहाँ पे आपने माइक लगा रखा है, ये किस काम का है? ये नॉर्मल एज अ परफ्यूम है। अच्छा ये परफ्यूम है, गाड़ी में लुक्स के लिए भी चीजें होनी चाहिए। पर मैं देखता हूँ तुम्हारा स्टार्टिंग से ना एक इंटरेस्ट रहा है कि हाँ परफ्यूम अपने को लेना है पर यूनिक लेना है। परफ्यूम से एक शो पीस टाइप का मैटर भी हो जाए। और अगर मैं देखूं पीछे स्पेस वगैरह तो देखो इतनी कुछ मिलती है नहीं, पर बेस ट्यूब आपने करवा रखी लगवा रखी है। रॉकफोर्ड का वूफर लगा हुआ है मेरा। हाँ, बहुत टाइम बाद वैसे रॉकफोर्ड सुन रहा हूँ मैं अपनी वीडियो में। ये कैसा आउटपुट है इसका? फिर बढ़िया, काफी सही। मतलब नॉर्मल होता है कि JBL है, JBL से थोड़ा ऊपर जाना पाइनियर और रॉकफोर्ड, ये सारे बहुत अच्छे चलते हैं भाई। सीन गड़ा ही लगा दो, तुम लोगों को आना अलग से लाके नहीं सुनने लग जाओगे ना, तब तक तो मैं सीन गड़ा सुनाता रहूंगा मैं, ठीक है? और यहाँ पे देख लो रील्स खत्म नहीं हो रही इनकी। भाई रोहिणी फुल स्वागत है आपका रोहिणी में। आउटपुट तो यार बहुत सही है, ठीक है? एक बार जरा बेस ट्यूब चेक करते हैं, ठीक है? ये देखो बिच मेड इट, जशन जीत का तो रोज होती पहाड़ी है, सेल्फ मेड हूँ तभी चौड़ी छाती है, ग्रेनेड हूँ मचा दूँ तबाही में, हाँ तबाही में, हाँ तबाही में। आजो आजो सीने सीने ए सीने 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 गेरा गेरा सीने 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 दे चिंगारी ना तेरा भाई फुल गेरो सीने। हे रजत सिंह ठाकुर इज दैट यू ऑन द भाई, ये वाले साउंड मुझे पसंद है यार। ने ट्रेबल में उतना ध्यान नहीं दिया है ना भाई, मैंने प्रॉपर अब गार पे बिल्कुल अंदर से ध्यान दिया सिस्टम पे स्पेशली। हाँ। मेरे सिस्टम को शौक था पर ट्रेबल्स मैंने एज अ नॉर्मल सिस्टम रखा हुआ है। हाँ। ठीक है, किसी को दिखाने के लिए नहीं रखा, अपने लिए रखा, अपने लिए रखा। हाँ, वो फील हो रहा है प्रॉपर। हमने इसको ऑन किया, क्रेजी भाई यार CNG के साथ। मतलब अगर कोई गाड़ी ऐसा आउटपुट दे मैं तो बोलता हूँ फिर बहुत सही है, CNG के साथ करवाओ क्या, मतलब पेट्रोल में इतना पैसे खर्च करना क्यों? लेकिन आप मेरी बॉडी किट में अगर ध्यान से देखोगे ना तो मैंने स्पेशल एक कस्टम नीचे, लोग उसको सेम पेंट करा लेते हैं लेकिन मैंने उसको अलग से पियानो ब्लैक में पेंट कराया हुआ है ताकि मेरे स्प्लिटर्स ना भी हो ना तब भी गाड़ी ठीक लगे। अच्छा, मतलब यार इसमें काफी दिमाग लगता है। लोग समझते हैं कि यूं ही मॉडिफिकेशन हो आती है, देखा दिखाया खेल है, जैसे लोग कर रहे हैं वैसे कर देते हैं, नहीं। पर मैं हर वीडियो बोलता हूँ, मैं इस वाली वीडियो बोलूंगा कि यार ऑफ कोर्स हर वीडियो अलग अलग लोग पे पहुंचती है ना, तो मैं ये बात स्प्रेड करना चाहता हूँ यूनिवर्स तक है कि मॉडिफिकेशन जैसे आप कराते हो ना वो आपकी पर्सनैलिटी दिखाती है कि आपका कैसा पर्सोना है, आप वैसी मॉडिफिकेशन करा रहे हो। अब इसमें क्या कुछ बनते चटक मॉडिफिकेशन कराते हैं, उनकी चटक पर्सनैलिटी है, अब तुम्हारे लिए गंदी है उनके लिए अच्छी है, क्या कर सकते हैं। चलाने में तो यार नो डाउट काफी सही है, ठीक है? स्विफ्ट स्विफ्ट में फील भी काफी अच्छा आ रहा है, एग्जॉस्ट का साउंड भी बहुत सही है, वेल्वेटोनिक के साथ हमने बहुत अच्छा तालमेल बिठा रखा है। अगर हम बात करें कुछ जैसे लास्ट में नेगेटिव पॉइंट पूछते हैं गाड़ी का, नेगेटिव पॉइंट ये है देखो स्विफ्ट है, बिल्ड क्वालिटी तो है नहीं। हाँ, तो मतलब लोग ले रहे हैं लेकिन स्विफ्ट की बिल्ड क्वालिटी नहीं है। अगर आप वैसे सोच रहे हो कि एज अ सेफ कार है तो आप सेफ कार में नहीं, नहीं सही बात है। हाँ, जो सच है वो सच है, सच है। हाँ, हाँ, वेल्वेट्रॉनिक का ये है माइनस पॉइंट कि अगर इसको ज्यादा, मेरे को अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है लेकिन हमने लोगों का देखा है कि लोगों के क्लच डेड हो जाते हैं, मेरे साथ भी हुआ था। हाँ, मैंने आपकी वीडियो देखी थी वो। पर वो एकदम तो, सही बोल रहे हो भाई, यूसेज पे भी बहुत डिपेंड करता है, डिपेंड होता है, मेरा ज्यादा नहीं चलता, मेरा कभी कभार चलता है। अच्छा, हाँ तो आप मतलब था तो लगा तो रखा ही है, मतलब इतना भी अपना दिखावटी वाला खेल नहीं है कि शो ऑफ ही करना है हर जगह। नहीं, नहीं। अपना जब मूड हुआ रात में कभी निकले हैं तो कभी वो होता है, कभी निकले हैं चाहिए आवाज चला लिया 5 मिनट के लिए फिर बंद कर लिया, फिर बंद कर लिया। नहीं बहुत सी, और जैसे हम देखे कि यार पुलिस वालों का रिएक्शन, क्योंकि ये रैप रैप है फिर ये कस्टम स्टॉक वाला कलर है, ये स्टॉक कलर है। अच्छा, तो कभी आज तक ऐसा हुआ है गाड़ी रुकी है? गाड़ी रुकती है, हाँ, फिर उसमें क्या होता है? जैसे ये भी बताना बहुत जरूरी होता है इन वीडियोस में कि लोग थोड़ा सीखे। बिल्कुल, क्योंकि भैया देखो ये टेंट्स बिल्कुल इनलीगल है। हाँ, ठीक है, हम खुद सपोर्ट नहीं करते टेंट्स को बिल्कुल भी। वो तो देखो क्या होता है कि भाई बस वीडियो आ रहे हैं अभी ला रहे हैं गाड़ी को तो थोड़ा टेंट से एक अच्छा लुक निकल के आता है, ठीक है? बाकी हम रिकमेंड एकदम नहीं कर रहे, पर अगर तुम लोगों को करवाना है तो भाई चलान के पैसे भी रखना, टेंट फट भी फाड़ेंगे भी ऑफकोर्स पुलिस वाले तो वो उतना भी गुदा रखना, ठीक है? क्योंकि चलान भी देना पड़ेगा, रूल्स के हिसाब से हमें चलना ही पड़ेगा क्योंकि हम
ऑफकोर्स यार गवर्नमेंट के नीचे हैं हम गवर्नमेंट नहीं है, सरकार नहीं है. बहुत लोग सोचते हैं कि हम खुद ही सरकार हैं, कुछ नहीं होगा, जब होना होता है तो वो चीज हो ही जाती है. बिल्कुल सही बात. और कुछ नेगेटिव में अगर बात करें हम तो नेगेटिव में आज सच तो मैं रोज कुछ दिखाने भाई. अच्छा बस ये दो तीन. अच्छा हाँ. बस बिल्ड क्वालिटी आपको लगती है बाकी है सच. हाँ, बिल्ड क्वालिटी अगर आप मारुति पे जा रहे हो तो आप बिल्ड क्वालिटी पे नहीं जा रहे हो. बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं होती मारुति की. लोग कुछ भी कर ले जाए उसमें. ये तो है. बाकी अगर हम बात करें सीएनजी आपने फिट करा रखी है इसमें. हाँ. जो कि बाहर से होगी ऑफकोर्स है ना, तो इसमें अगर हम ट्यून कराए तो सीएनजी के साथ क्या कामयाब है? ये भाई मैंने अभी तक ट्यून का सोचा नहीं है कुछ. हाँ? अभी मैंने इसके अंदर जो लेटेस्ट सोच रखा है इसका फिल्टर चेंज कराना है मैंने. फिल्टर से भी काफी फर्क पड़ता है. हाँ, फिल्टर से काफी फर्क पड़ता है. देखो थोड़ा एग्जॉस्ट है हमारा और थोड़ा वो हो जाएगा, फिल्टर वगैरह लग जाएगा. हाँ? तो देख सकते हैं उसके अंदर कुछ. ओके okay, हाँ नहीं, फिल्टर से तो देखो काफी गाड़ी की परफॉर्मेंस में काफी एक अपग्रेडेशन हो जाती है. ठीक है, बाकी अब हम वीडियो में यहीं पे फाइनली एंड करते हैं. वीडियो अच्छी लगे तो भाई तुम लोगों को पता है क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है. और अगर तुम लोग ऐसी कोई गाड़ी है मॉडिफाइड तो जरा मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आ जाओ, मास्टरबोर्डर आईडी है, जाके फॉलो करो, अपनी गाड़ी की फोटो भेजो, फिर नेक्स्ट वीडियो तुम्हारी गाड़ी के साथ बनाएंगे. ठीक है, सबसे पहले इंस्टाग्राम में मोहित भाई को ही फॉलो करो, मोहित दुडेजा. ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी में नीचे टैग कर दूंगा, फॉलो जरूर करना है क्योंकि भाई लोग मेहनत बहुत करते हैं इंस्टाग्राम पे यार, रील्स वगैरह बना के, है ना. बिल्कुल भाई, काफी मेहनत चलती रहती है. तो इस पे वीडियो एंड करते हैं. तो यार मैं भी हिरकमता हूं से अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय, साइनिंग आउट.